अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंज प्रोग्राम खेती सिर सेती सां जो मेज़बान कमाल लाशारी हाजिर है। नाजरीन, अज अस पंज प्रोग्राम में कमंद के हवाले से, कमंद जी सीज़न इन वक्त पुजाणी ते पहुंती है। हैरत अंगेज गाल तो जैसे कटाई जी सीज़न शुरू थे पी, शुगर कैन जे जमींदार आबादगार उन मीटिंग्स जे बोर्ड जो एग्रीकल्चर बोर्ड जो मीटिंग्स हुई उन टाइम ते शुगर मिल मालकन पारा 200 का वधीक जेका खंड कमंद की कीमत है उन डेण का इनकार किया, उन्होंने वस में कोने खर्च अखराजात तमाम घना इन सूरत में कमंद के जो सो वारे में कान्ह का पैसों से ना वी सकन। ई हर साल वागुर यो काफ़ी जेड़ो जो सो वो हलो उन अग में पंजाब हुकूमत गन्ने की जी कीमत है वह मुकर कर छी हुई, जैखा सिंध पारा वह जी कीमत है वह मुकर कई वही, पर वो 200 रुपए से जहाँ महंगी कमंद न पाया वी सकन मिल मालिक इन वक्त वह 300 का 350 तीन जहाँ फी मण वरती पी वे। पर इन दौरान भी घड़ी जो नंढो आबादगार उन शुरुआती डी में ही जाहिर है जमींदार की या नंढे हारी की आबादगार की सजी पाँगी जी कार वहवार है उन उन ही फसल से होंगे वो इंतजार न कर सकता है, उनके करे फौरी तौर पर पहले मरहले में कमंद की कटाई कर मिल तीन पहुँचाई जैसे तो हाँ आखिरी में वही जो वो 300 या 350 तीन मण जो पोत 100 सैकड़ो 80 का 100 सैकड़ो महंगाई जी से किए जो सो मिल मालिक उनके वही रहा है। सो एक अलग एक दास्तान है, केतरा ही भेरा अस ची चुका तो जरई मुल्क में पॉलिसीज जो उ आबादगार जमींदार दुश्मन पॉलिसीज आज मिडिलमैन जो है वो ढी जो मुआशी तौर पर मजबूत थो पे वे जैसे तो हारी जमींदार जो कंगाल पन कमंद से वी जी हाँ टमाटे जो हारी जमींदार जी तो काछे का वी लाड़पट्टी में टमाटो जो है वो हजार एकड़न फसल उन लही चुको है, टमाटो इन मार्केट में पहुंची चुको है, पर टमाटो जो वो बाहर इम्पोर्ट करण के करे इन वक्त कम टमाटो जो है सिंध जो हारे वट जमींदार वट मार्केट में जो है वह 10 का 15 किलो वाली जी शापर है वह 150 रुपए ते वे थी, जो 8 का 9 रुपया 10 रुपए तीन जहाँ फी किलो वे तो थोड़े जो उनको आम जो कंज्यूमर है आवाम है उनको फायदो को 30 का 40 रुपए तीन जो किलो है वो मिले तो, पर इन सजे मामले में पीड़ज वो हारी थो, गरीब थो, मिस्किन मजदूर थो पीड़ज जैसे तो वो मिडिलमैन जो है जिनको जिक्र किया से वो कमंद हुए कणक हुए फुटी हुए कड़ो भी फसल हुए कड़ो भी मेवो हुए कड़ी भी सब्जी हुए उनमें सिर्फ ए सिर्फ जैसे कंखे पैसा बचन था वो मिडिलमैन ही है। अज अस प्रोग्राम में गाल बोल कंदासी कमंद के हवाले से, कमंद जो जो फसल है वो पोखजे किए तो, कमंद में ठहे तो, कमंद में थे तो, कमंद जो जो छड़ी है कमंद जो है वो थे किए तो, उन हवाले से सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पल फार्म पारा कराची जड़े शहर में उनके पोश इलाके क्लिफ्टन में एक पार्टी जहाँ रखी वही मुनद कई वही गुड़ टी एंड शुगर कैन चोइंग पार्टी, गुड़ की चाय कमंद खाण के हवाले से उनकी जो शुण के हवाले से कमंद में छो थे वो सब कुछ उजागर करण के हवाले से जो सो इंफॉर्मेशन दियण के हवाले से एक पार्टी जहाँ मुनद कई वही अली पल पारा जो सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो सरबरा है अली पल फार्म्स जो उन पारा उनमें न सिर्फ आबादगार पर उन गो ग मुख्तलिफ तबकन के मानून जो शिरकत कई साफिन शिरकत कई समाजी अगवान शिरकत कई सियासतदान शिरकत कई ब्यूरोक्रेट्स जो शिरकत कई उनके बुधायो वो तो कमंद जी उन फसल केतर महीनों जो थे तो कड़े मरहले में गुजरे तो किए तैयार थे तो उन कमंद में जो वो ठहे तो आम माँ तीन खंड पहुँचे थी वह कड़े मरहल में गुजरी जो खंड थे थी उन सा गड़ो गड़ कमंद में सिर्फ खंड न पर बी कड़ी शन थन इन समूरे से जो उन हाजरीन के कराची वास के मुख्तलिफ तबके के मानून के बुधायो वो इन्फॉर्म किया वो उन्होंने जो सो दस वो तो हारी जो जमींदार है ही फसल वो फसल है जो बेन सभी फसल का जो वक्त है वो वटे तो 18 महीनों जो ये फसल थे तो वो फसल शुरू का आखिर तक किए थे तो उन सा गड़ो गड खंड से गड गुड़ गुड़ का मुख्तलिफ बी शन उ पिण थन थी जै बाबत जो सो उतने बुधा वो प्रोग्राम में मौजूद इन तकरीब जो होस्ट हुआ अलीपल उन समय त मुख्तलिफ मानून सा उन गड़ो गड़ मुख्तलिफ एग्रीकल्चर
यूनिवर्सिटी टंडो जाम का खुसूसी तौर से साईं इस्माइल साहब पहुंतल हुआ इतने उनसा पिण गाल बोल थी मुख्तलिफ़ पासन से गाल बोल थी तो इन बुनियादी तौर से अड़ी पार्टी से कड़ो मैसेज जो है वो वो इन मकसद कड़ो है उनसा गडो गड यो पिण वो तो शूर अजा या अफसोस जड़ी गाल कान्हे का एतरा दहाका गुजरण का भी असो मुल्क जिनों 60-70% मू जो वो एग्रीकल्चर से वास्तो रखे तो पर उन बावजूद भी अज भी असा 2021 में भी मानून के बुधायण पे तो कमंद तैयार किए थे थी कमंद जो बूटो आ कमंद जो वण आ कमंद में शूं कड़ी जो सो मुख्तलिफ शे डिस्कस थी गाल बोल कई कई से उन पार्टी में शरीक मानून से अचो तो गाल बोल बुध तो कमंद जहाँ कि फसल तैयार किए थे तो उन कमंद जो जो जमींदार है हारी है हर साल पीड़ जे किए तो इन समूह डिस्कस कई है अचो तो गाल बोल सही गजानी करने जो मेन मकसद यो तो नेटवर्किंग थिए कमंद फसल के बारे में काश्कार जो आबादगार है जमींदार है हारी उन इशूज के बारे में सिविल सोसाइटी अदलिया बेन मान के इंडस्ट्रियलिस्ट के गवर्नमेंट के खबर पे तो इशूज कड़ा हाँ ऐसो अरह महीनों जो फसल है मान के खबर ही को मान के यही खबर को बूटो थे तो जजन की खबर ना तो बूटो है या वण है जैसे अस इतने मुजाहरा कर याद है तो मूँ चाहता गन्ने के आबादगार क्यों कर रहे हैं मुजाहरा भाई असा हक ही न असा का वो वे तो 100-150 में वे तो 5 किलो उन खंड तो मण में कटे उन चॉकलेट कटे तो बिजली ठाए तो उन असेंगे दिए तो 150 रुपया मण ए उनमें ट्रांसपोर्ट भी असा लगा छे प्रीमियम भी नो दे तो इनको गजानी मेन मकसद यो तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी असा हिंसर वेठा मीडिया आया वेठा सिविल सोसाइटी सब मूँ एक बेखे पूरी ब्रीफिंग दूँ था हिंसर वक्त सभी का मेन मसलो आबादगर जहाँ पैसा रहा पायान मिल वारे मिलवारा दियण ला तैयार नाइन ए मैकेनिज्म को मौजूद ही कोने कैन कमिश्नर जो टे चार दफा बदलियों थी रन कमिश्नर वे तो अब चार्ज ही को वे वो बदली कर छी तो ये इशूज हाईलाइट करना हुआ असेंगे असा तो इतने सेक्रेटरी लेवल जहाँ मूँ अचन था पार्लियामेंटेरियंस अचन था अपोजिशन लीडर अचन था उनके जैसे समझाऊँ था बुधाऊँ था हि प्रोडक्ट हो असें खबर ही को शे की हाँ जिन 18 महीना ही फसल बीहे तो उनते आबादगार मेहनत करे तो ये मान के खबर ही को पढ़ियल लिखल मान के अगत अचो पव टेक्निक्स ही शूं यूज़ करणी पंदूँ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसो असंखे बहराड़ी में भी रहूँ था शहर में भी रहूँ था ही फायदा है असंखे घुर्जे शहर जैसे दोस्त हैं उन्हें अवेयरनेस दूँ वरी अवेयरनेस शहर जहाँ दोस्त एडवोकेसी फोरम्स से ये सब शूँ रखी सन माफिया मौजूद हैं उनके टोड़न लाइ उन मुकाबलो कर अवेयरनेस कानूनी पार्लियामेंट बेन सभी मदद की जरूरत अस मिल मालिकान्स के शुरू का मिल वो आबादगार हारी इन पान में गड़ी हलन घुर्जे छो जो आबादगार के खुशहाल तदे थी जैसे मिलू होंद मिल वा भी तदें पाँ बिजनेस ठा सकता जैसे आबादगार कमंद होंद अज मिलन वा कमंद के पोया गाड़ी खड़े पाया फिरन कें वक्त में आबादगार जो कमंद खड़ने ला तैयार को तेज कर असि यह सलाह है उन मिल वन के अमल करण घुर्जे तो आबादगार इनकरेज करो उन समाजी तालकात रखो उन मिट माइट समझो पाँच उन दुख सुर वंडियो पाने कमंद भी इंदो आदाय बुधा आबादगार मिल वारन के 10 रुपया घटते बस ही दींदा तो सही मिल वो असा वास्तो है पर मिल वारा कदें भी असर रुपये बख्श कर तैयार ना शहर में जो मूँ वेठल जिन जो फील्ड से वास्तो ही ना है उन्होंने यह खबर ही ना है जो कणक पैदा थे थी ये जो अभी ब्रेड खाऊँ पा वो छा पैदा थे तो अड़े नमूने जहाँ बाय प्रोडक्ट्स है उनके बारे में खबर ही बाय प्रोडक्ट्स की खबर है पर उन असल जो जिता प्रोडक्शन निकरे थी उनके बारे में खबर को दुनिया जहाँ मुल्क चाइना है या बेन मुल्क में छा है जेके भी मानू कम कन था प्लानिंग में हुजन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुजन कड़े भी सेक्टर में हुजन पैरी उनके रूरल एरिया में कम करो तो पवे तो रूरल एरिया में कम करने जो सो मकसद यो है तो हु उन रूरल बैकग्राउंड का बाखबर रहे तो उत्तर कल्टिवेशन कड़ी थी थे कड़ी प्रोडक्शन थे थी उन प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल तैयार थे उनकी बाय प्रोडक्ट कड़ी है वो वैल्यू चेन सिस्टम सो अंडरस्टैंड करो तो पवे बदकिस्मती में तहां जका गाल कई तमाम घनी अहम गाल कई है तो अस कराची में जैसे असा सिंध जो गादी और हंध है बड़ो हिस्सो है तो इनमें वही मास पॉपुलेशन रहे थी पर उन बार लिटरेचर जो है मिसाल निसाब है करिकुला जो डिजाइन किया हुआ तो प्राइमरी जो सेकेंडरी जो यूनिवर्सिटी लेवल जो तो उत्तर एग्रीकल्चर की का इंपॉर्टेंस ना है तो समझा तो हि जो गैप है अली साहब जो इतने प्रोग्राम किया है उनको सजो कॉन्सेप्ट यो है
तो इतने गुड़ पार्टी करे कराची जो दोस्त हैं सिविल सोसाइटी जन या जो शहरी तो उन्होंने में उन्होंने अवेयरनेस दूँ तो जो शुगर जो तुम खाओ था राह की सूरत में वो असल शुगर कैन में पैदा थे तो कमन में पैदा थे तो समझा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो असो पॉलिसीज हैं उनको बड़ो फुकदान है उन्हीं रिविजिट पॉलिसी खोलनी पवन हि जो तक बुधा तो किराब जो वो गरीब मानू जो किराब ना है हि रिच पीपल जो किराब है तो इन हवा से किराब की जो रिकवरी पर्सन सिंध में पाकिस्तान में सारी टॉप में सिंध की है डेल्टा किराब है उन हवा से जैसे असर दिसासी जैसे सिंध की 12 रिकवरी पर्सन हिंसर हल पी तो माना समझो तो 100 किलो कमंद मजा तवा जो 12 किलो खंड निकरे थी 12 किलो खंड की जहाँ कीमत हिंसर 1000 का मथे है तो कमंद जो माना 100 के जी की कीमत बंदी वो माना 600-700 हिंसर मस मस मिले थी उनकी बाय प्रोडक्ट अलग है तो सिंध के मानु के माना जो सिंध जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं की जो इंपॉर्टेंस है उन्हीं फोकस करो पव तो उन्हें सही नमूने राइट मिले गडोग जो कंज्यूमर मार्केट में खरीद करे तो उन्हें कंज्यूमर राइट मिले पर इन वक्त जो मिडिल मैन है उनकी जो मोनोपोली है जैसे करो सो माना असो मुल्क जो सो माना डी ओडी सही नमूने पॉलिसी न हो अफरा तफरी शिकार है नतीजन असके इम्पोर्ट करनी पी शुगर तो जैसे शुगर अस बंटी का मत शुगर मिलू हैं रुगो सिंध में पाकिस्तान में उन रेशो 80 का मथे है तो वो मुल्क की जो न सिर्फ नेशनल जरूरत पूरी कर सके थी पर गडो गड इंटरनेशनल मार्केट में भी अस एक्सपोर्ट कर पर डे नानू कमाए सकूँ था समझो तो तीन वही मेहरबानी तुम्हें अज कराची में ही जो बड़ो इवेंट थोड़ा एनुअल गुड़ टी शुगर के कमंद वाली जी पार्टी इन में असो जो नाजरीन है उनके सही नमूने जो जान मिलती 18 तारीख का जहाँ माना पे तो फेडरल पॉलिसी होंगी हुई हाँ वो 18 तारीख फेडरल लेवल से मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी रिसर्च कायम कर सी प्रोफेशनल से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है तो हाँ उन्हीं एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उन्हीं कम है तो वो जो से माना न सिर्फ शुगर कैन प्राइस से पर जो भी क्रॉप जो भी उन्होंने उनकी सपोर्ट प्राइसिंग से गडोग एग्रीकल्चर पॉलिसी अस सुी ठल है पर उनको इम्प्लीमेंटेशन प्लान ना है तो समझा तो यो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो जो सो माना सुी पॉलिसी से गडोग सुो इम्प्लीमेंटेशन प्लान डे सुा जो से माना रूल्स रेगुलेशन ठाए तो समझा तो आबादगार का भी फायदो थो स्टेट भी पा भरो इन्हें जी अवेयरनेस दिनी है इन्हें हाँ सभी के खबर आ कमंद किया थींदो कमंद केतरो खर्च इंदो कमंद केतरो लहंदो हर शे जी आए जी तो पहले मिल वारा असा आबादगार से जैतू पे कन छाकाण जो मुझे चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर से वास्तो आ तो असा कोर्टुन में भी वेसे हर जगह से वेसे हिंसर माशाला अग कुछ बेहतर थो प्रोडक्शन जो है अधो कम भी घटती वही है वह इन कर आबादगार के पैसा न मिले पे साल में ए प्रोडक्शन घटती है हाँ इन्हें घट घट काम तो मिले तो उन्हें इन मजबूरन पैसा वधाना पैन कोई ये को थोड़ो कौन क्यों दुआ सही जस्सा असाजे अलीपल दोस्त के जो अड़ा सेमिनार रखाए पो कमंद इशू जो असाजी इन धरती से तमाम वो मसलो है कमंद के जी निचूड़बो आ जमा रस निकर है अड़े नमूने से असाजे आबादगार के भी इं निचूड़ो वे तो वो निचूड़ींदड़ केर है निचूड़ींदड़ असि शुगर माफिया इंडस्ट्री है जे अस वा टाइकोन जो समझन था अस बिजनेसमैन इतने आयु शुगर इंडस्ट्री उसे इतने ग्रोवर के वेचारे निचूड़े उन्हें रस पी कटे तुम दिसो था जैसे कमंद असो लहन है तो उनकी मुफ्त की कीमत में वो वेचारा जैसे ट्रालू भरे उतने शुगर मिल में बीहन था वाफर मुख्तार में तुम दिसो 500-600 ट्रालू बार लाइन में बीठी हुए उनकी ट्राली टे ढी वह शुगर मिल में खाली नींदी है ए जैसे वो ट्राली खाली थे थी तो उन्होंने वो पैसा जे नमूने मिलन था इं गाल लिखल ना असा ए जै टाइम से कमंद असो लहे तो उन टाइम से शुगर की कीमत दिसंदूँ तो तमाम सस्ती कीमत होंगी है जैसे कमंद असे ग्रोवर का जो रियल वेचारो ग्रोवर है जैसे मुफ्त की कीमत में उनका कमंद परचेज किया वे तो उन्हा शुगर माफिया असो मिडिलमैन तो वह शुगर की कीमत डबल कर वन साल जो ताज़ो मिसाल है जैसे शुगर कें लथो तद वक्त की कीमत हुई 70 रुपया के जी अज की कीमत है 86 रुपया पर के जी केडो वो फर्क है पैसों केर तो ठाए
शुगर मिल में पाया मिडिल मिल असा स्टॉक युत निचोड़ो केर पे वे अस आबादगार तबको जो रियल अस पाकिस्तान जो इकोनॉमी जो तमाम वो जरियो है जसन अलीपल साहब के है जो अड़ा सेमिनार कराए तो सिविल सोसाइटी या मू सोशल एक्ट्रेस जैसे घुराए कर अवेयरनेस दिए तो असि आबादगार से कड़ो तो पाकिस्तान में जुल्म पो थे इन शुग कमंद में नो ठे एथोनॉल ठे तो इवन हे कोरोना के हवा से सैनिटाइजर भी इनमें ही ठे तो खोड़ सारियों शूं इन गुड़ असो देसी जी अस मेडिसिन में भी तमाम खोड़ सारे यूज थे तो बहरहाल अस आबादगार स्पेशली सिंध के आबादगार से तमाम वो जुल्म है कमंद के आबादगार से हि चार साल अलीपल के जस है जो चार साल असे सेमिनार कराए पो उन बार जाखोड़े तमाम सुठो पो लगे हि कमंद की शुगर केन टी पार्टी चार साल अचे पी अली सर जी इलाही थैंकफुल आया जे मुझे इन्वाइट कर सेमिनार में सेशन में एतरी नॉलेज मिली कि ये कड़ा कड़ा असा उन फायदा था मिलन आई प्रॉपर जो तरीको अज कमत किए खाएज वो मुख्य इन सेशन में ही खबर पो है आई रेट्स जी कमत जा उ गवर्नमेंट जो रेट्स आई मार्केट्स में रेट्स इन जी तमाम घड़ी मालूम मिली है सो अड़ा सेशन्स रहन ताकि जो मून जी सिटीज में रहन था जिनकी खबर को कमत के बारे में उनके इन्फॉर्मेशन मिले गुजरियल साल कुछ मुजाहरा थे सिंध में कमंद या गंदे तो पिटिशन कुछ पेश थी तो एक पिटिशन में एक असे मोजस जज पुछो कराची के ही वण वण थे तो या बूटो थे तो सही था चो तमाम अवेयरनेस या मसला है असल में चाहे हुकूमती पॉलिसी जी है ना बुनियादी फ्रेमवर्क हूँ पो ट्रिकल डाउन थी हेठ मामलो पॉलिसी फार्मर दोस्त ना है किसान दोस्त ना है पोरियत दोस्त ना है आई ज़रात दोस्त ना है तसो मुशरफ का चौथी रिजीम है नवाज शरीफ की इन जरदारी की जी को अना प्रायोरिटी से कम कर तैयार ना अना तो असी प्रोविंस के शहरी मानून के बुधानों तो पे तो असि हारिय जहा मान मसला कड़ा उते जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ शुगर केन उनते केड़ी माफिया जो कब्जो है उते हालतू कड़ी तुम जो शहर में वापरा था ये सब शूँ तो बहरहाल फायदो यो है तकरीबा सा जो पाँचा वेझा मानू इन स्टेक होल्डर्स रूरल अर्बन इकोनॉमी पान में जुड़ियल है उन्हें ताई शूँ पोचन थी उन्होंने बुधायूँ तक अर्बन इकोनॉमी है उनके रूरल इकोनॉमी में केतो सपोर्ट है तो यो एक है इंटरेक्शन थे तो सियासी मानू गजन था समाजी मानू पर अना तमाम वो रस्त है परे जो रस्त है हुकूमती जिस अपाव उन में ना तेस इंडिविजुअल फर्द फोरम तान स्वाबादगार बोर्ड है चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर है रणियों पा कह पर बहरहाल हुकूमती अपाव वठने की सख्त जरूरत है तेजर ऐसो रिसेंटली क्राइसिस है तो जे मुशरफ दौर में माफियाज हुई जहांगीर तरीन एंड कंपनी सब मानू उन नाला आया सिंध में भी जे शुगर मिलू ऐसो तो उतरे मखसूस जो है लॉबी जो कंट्रोल है रेट हुता ते कन जमीनू एस पी बीठा तुम कमंद जिले का बे जिले अगर का मिल रेट भी दियण थी जाए तो रूलिंग इलीट है जो मुल्क हलए पो सुबह हलए पो पर उनमें वो सिंध की इकोनॉमी बदकिस्मती से उनके कंट्रोल में आए तेज कर हि न फकत हारिय की पोरियत की सिविल सोसाइटी जंग है पर ही सजी असि जी सिंध की ओवरऑल इक्तसादी समाजी तरक्की है उनकी जंग है सर अलीपल चार साल का ही प्रोग्राम कह अचे मुख्य इन के बारे में एतरी हावनो ना है सो अज मैं फर्स्ट टाइम आयम तो मुझे खबर पई त कमंद के बारे में कमंद शुगर में शुगर के हवाले से क्या है क्या खाइबो आ इन मतलब इन जहाँ अफेक्ट साइड इफेक्ट ना ऑल दैट मतलब काफ़ी नयू गाल सीखियं जो असके नॉलेज में ना हुई और अस काफ़ी हद तीन नयू गाल सीखियं आन काफ़ी नॉलेजेस भी हासिल कई है सर अलीपल के उनमें अची थैंकफुल चंदम सर अलीपल के उन्होंने असें इन्वाइट किया गैदरिंग सब मिलियास आपस में एक गेट टुगेदर थी वही मूँ पैं कम में भी निकतो इन्फॉर्मेशन भी मिली अच्छा मेरा नाम दरक्षण सवाल है मैं सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वेमेन की मेम्बर हूँ हर साल की तरह आज भी इस दिन में अलीपल साहब ने अपने घर में ये शुगर केन चुइंग का एक इवेंट रखा गया है कि गन्ने की फसल कैसे बनती है हम सब जो मुख्तलिफ तबकात से के शामिल लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो इस जो शुगर केन की जो फसल है गन्ने की जो फसल है वो किस तरह से उगती है यहाँ पे एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है उसमें बताया गया है कि गन्ने के की क्या फायदे थे इसको कहाँ कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है और इसको उगा के इसकी फसल बना के किस तरह से मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन की मेम्बर होने के नाते मैं इस प्रोग्राम में कमीशन के बिहाफ पे शरीक हुई हूँ और यहाँ पे मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को बताया गया है कि गन्ना किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसकी
की उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं और हम इस गन्ने को उगा के हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर के हवाले से ख़वातीन की भी शमूलियत के बारे में बताया गया है और सिंध में जो एग्रीकल्चर वीमेन का जो एक्ट है वो लागू किया गया है। जो यहाँ पे मौजूद हमारे जो असेंबली के मेम्बरान भी यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारे साथ ताबुन करने की यकीन दहानी कराई है। तो मैं इस तरह के इवेंट को प्रमोट करती हूँ और मैं अलीपल साहब के इस दाम को बहुत बेहतरीन समझती हूँ जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान की या सिंध की जो सरजमीन है वो एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ है, तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए और जो है एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट हैं उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसा कि अलीपल साहब हर साल की तरह करते हैं। दूसरा उनका एक इवेंट जो होता है वो आम के सीज़न में भी इसी तरह का वो एक इवेंट रखते हैं, तो मैं हमेशा की तरह आज भी इस इवेंट को बहुत अच्छा चला रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सबको एक मिल बैठने का भी बहाना मिलता है और उसके साथ साथ मालूम में भी इजाफा होता है। अवेयरनेस हितान के मानन के जी पाण एकड़ो दफे बुधाई त जको आसो जज असा के पुछो त यो दरख्त केड़ो आयो मखे बुधायो अच्छा त इने मा अंदाजो लगायो त मानन के खबर काने त इहो आहे त एकड़ी अवेयरनेस ही आहे त भई जको कमंद आहे उने जी जका पैदावार आहे उन जी छा पोजिशन आहे या उन में बियो कड़ी शयूं ठहन थियूं त इहा शइ अवेयरनेस आहे। बाकी इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त अञा ताईं असीं अवेयरनेस पिया था ॾियूं या असांजी बदकिस्मती आहे मुल्क एग्रीकल्चर आहे एग्रीकल्चर ते हले थो माफ़ियाऊं पंहिंजी जॻह ते वेठियूं आहिनि पर हाणे ॾिसो न हिकिड़ी जेका हींअर जी सूरत हाल हिन कमद जी हिन जे हवाले सां आहे त गवर्नमेंट जो जेको अघु आहे उहो हींअर 160-170 रुपया आहे पर हिननि आबादगारनि खे या हिननि खे 400 रुपया बण जे हिसाब में मिले। हाणे इहा ख़ुदि हिकिड़ी सम्झण जी ॻाल्हि आहे त ऐं हीअ जेके कमद ते सिंध में जेका हले थी पई पॉलिटिक्स गुज़िरियल 25-30 सालनि खां वठी त कमत जो अघु वधायो वञे पर हाणे हीउ दोस्त पाण जेके आहिनि से हिनखे रियलाइज़ पिया कनि त भई कमत जो अघु सरकार खां बि असांखे विघणो पियो थो मिले त इहा ख़ुदि सम्झण जी ॻाल्हि आहे त बहरहाल हिकिड़ी शइ आहे त सिंध में कमत जी जेका इंडस्ट्री एस सच लाइक न आहे हीअ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आहे हूअ इंडस्ट्री न आहे त इहा वधी आहे ऐं उन में तमामु वॾो इज़ाफ़ो थियो आहे माण्हुनि जो रोज़गार थियो आहे माण्हुनि कमत जी पोखाई कई आहे खंड वग़ैरह इहे सभु शयूं थियूं आहिनि पर खंड जी जेके आलमी मार्केट में क़ीमत आहे न उहा घटि थी आहे इन जा असरात हिते बि यकीननि पिया हूंदा पर इहा सही ज़रूरु आहे त असांखे कमत खां सवाइ ॿियनि जिन्सुनि ऐं ॿियनि शयुनि ते वञणु घुरिजे जंहिंमां वधीक पैदावार थिए थी त इहो वधीक बहितर। जीनादरी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं हीअ पंहिंजी नोयत जी मुनफ़रिद जेका तकरीब हुई ऐं हीउ चोथों भेरो आहे त अलीपल सार्क पारां सार्क प्लेटफॉर्म तां सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ऐं पल फार्म्स पारां जेका असांजी कराची सिंध जे गादी वारे शहर सिंध जे दिलि ऐं सिंध जे राजधानी में जेको आहे सो हीअ पार्टी करे पियो ऐं उते ब्यूरोक्रेट्स समाजी अॻवान सियासतदान ऐं एग्रीकल्चर सां रिलेटिड माण्हू जेके आहिनि उहे शरीक थियनि था ऐं उन्हनि खे ॿुधायो वञे थो त कमंद जो जेको फ़सुलु आहे उहो थिए कीअं थो उन मां छा छा ठहे थो कमंद जी हर शइ कम जी आहे कमंद जी पुछड़ी ऐं उन मां जेको पलाल निकिरे थो माल जे लाइ कमु अचे थो उनखां पोइ कमंद जो जेको फोग बचे थो उन मां गतो ठहे थो उनखां पोइ ॻुड़ खंड ऐं उन सां गॾो गॾु अल्कोहल ऐं ॿियूं शयूं पिणु जेके आहिनि से उन मां तयारु थियनि थियूं पर असां आबादगार खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु खंड जो ई ॿुधायो वञे थो त फी मण मां कमंद जे फी मण मां केतिरा किलो खंड निकिरे थी उनजो जेको आहे हिसाबु किताबु ॿुधायो वेंदो आहे ऐं उन हवाले सां तव्हां ॿुधो त आबादगारनि ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जेको आहे सॼो चवणो हुयो त हीअ हिकिड़ी माफ़िया आहे जेका ऐं उन माफ़िया जेका आहे सा उहा अघु मुक़ररु करे थी ऐं घटि करे थी वधि करे थी जॾहिं त हीउ फ़सुलु जेको आहे अरिड़हनि महीननि जो फ़सुलु आहे ऐं आबादगार खे इलाही ख़र्चु जेको आहे हिन ते करिणो पए थो उन बावजूद बि जेको आहे सो हिते जेका हिकटी क़ाइमु आहे उनजे करे उन मुतालबो कयो त सिंध हुकूमत खे वफ़ाक़ी हुकूमत खे सियासत खां पॉइंट स्कोरिंग खां हटी करे ज़रई पॉलिसियूं जेके आहिनि आबादगार दोस्त पॉलिसियूं जेके आहिनि उहे जोड़णियूं पवंदियूं तॾहिं ई जेको ज़रात आहे असांजे मुल्क जी असांजो माण्हू जेको उन सां वाॻियल आहे उनजी बहितरी थी सघे थी। ॿी सूरत में जेके हिन वक़्तु ताईं जूं पॉलिसियूं आहिनि जेके ज़रात दुश्मन पॉलिसियूं आहिनि जीअं त हिन वक़्तु टमाटे जो जेको इम्पोर्ट थिए पई उन खां पोइ बसर जी जेका इम्पोर्ट थिए पई ख़ुदि कणिक जी जेका इम्पोर्ट कई वेंदी आहे जॾहिं त असां वटि इहे सभई फ़सुलु जेके आहिनि उहे टारगेट खां वधीक लहंदा आहिनि ऐं असांजे जेको मुल्क जो ऐं सूबे जो पूरा उहा उन मां थी सघे थो पर उहे फौरी तौर ते जेके आहिनि से गैर क़ानूनी तरीक़े सां स्मगल कया वञनि था उनजो फ़ाइदो मिडिल माफ़िया खे थिए थो उनखां पोइ वरी जॾहिं खोट पैदा थिए थी उहा साॻी मिडिल मैन माफ़िया जेका आहे उहा ॿाहिरियां शयूं घुराए थी उन ते डॉलर्स ख़र्च अचनि था ऐं वरी उहा हिते महांगी करे अवाम किनी थी वञे। इन शइ खे सम्झणु इन शइ ते कंट्रोल करण खां पोइ ई असांजी जेका ज़रात आहे असांजा ज़रई इस्म जेके आहिनि
उहे बेहत जेके आहिनि से उहे ॿाहिरां घुराइण खां हुकूमत जेका आहे सो बची पवंदी ऐं डॉलर्स वारो जेको मसलो आहे उहो बि हल थी वेंदो ऐं असांजे मुल्क जो सूबे जो आवाम जेको आहे उहो बि ख़ुशहाल थींदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान कमाल लाशरी खे ॾींदा इजाज़त, अलावाही।